तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने के कुछ घंटे बाद एयर इंडिया के यात्रियों ने राहत की सांस ली। दरअसल मुंबई से आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक लैंडिंग से पहले एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। फ्लाइट की तसल्ली से जांच की गई। इसके बाद दोपहर 12:10 पर इमरजेंसी को हटा दिया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट को मिली धमकी झूठी थी या नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। Just few hours, but not sure how things happened. So they just randomly. They didn't announce anything to us. Just and they held us for like few hours, but they rushed a lot. ബോംബെ രാത്രി 2 മണിക്ക് വന്നിറങ്ങി. അവിടെ നിന്ന് 2 മണിക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റിലാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത്. വന്ന് ഇപ്പോഴും കാലത്ത് ഞാൻ 8 മണിക്ക് വന്നത്. മണി എത്ര 12:30 ആകുമ്പോൾ ഓ സംസാരിച്ചു. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇപ്പം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളു. ആ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് 2 മണിക്കേരം നമ്മുടെ ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब फ्लाइट के वॉशरूम में टिश्यू पेपर पर लिखा मिला कि फ्लाइट में बम है। मैसेज मिलने के तुरंत बाद पायलट ने ATC को जानकारी दी। इसके तुरंत बाद 7:36 पर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। एयर इंडिया का विमान सुबह करीब 8 बजे एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा और उसे आइसोलेशन बे ले जाया गया। फ्लाइट में 135 यात्री सवार थे। इसके बाद फ्लाइट को तुरंत खाली कराया गया। बम निरोधक दस्ते समेत सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की जांच की। यात्रियों के सामान की भी तलाशी ली गई। इस बीच एयर इंडिया ने बयान जारी करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी।